हे हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोलका डॉट के बारे में कि क्यों मार्केट के अंदर पोलका डॉट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है एंड ऑल्सो क्या हमें आने वाले दिनों में इसका प्राइस मोर देन हंड्रेड डॉलर भी देखने को मिल सकता है या फिर नहीं सो so, हम इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स क्विकली गेट डाइव इन टू द वीडियो सो टॉकिंग अबाउट पोलका डोट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन ने फाउंड किया है सो द फाउंडर ऑफ पोलकाडोट इज डॉक्टर है सो ये भी इन्वेंट की थी सो येस ये पर्सन टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इन नवम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन इन्होंने पोलकाडोट का व्हाइट पेपर लिखा था सो जो वेब थ्री फाउंडेशन है उसने पोलकाडोट को बिल्ड किया एंड जो वेब थ्री फाउंडेशन के अभी फाउंडर है दैट इज ऑल्सो गैविन वुड एंड नॉट ओनली दिस बट जो वेब थ्री फाउंडेशन है उसने दो प्राइमरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है वन ऑफ विच इज़ पोलका डोड एंड अदर इज कोजामा नेटवर्क सो हम इसके बारे में भी बात करेंगे बट बिफोर मूविंग टू द कोजामा नेटवर्क अगर हम पोलका डोट की बात करें सो so रिसेंटली जो पोलका डोट है उसने मार्केट कैप के अंदर अपनी फोर्थ रैंक गेन की है एंड येस yes, इसने एक्सआरपी को पीछे छोड़कर अभी काफ़ी अच्छा पंप लिया है सो इन द पास्ट 7 डेज हमें पोलका डॉट के अंदर मोर देन परसेंट का पंप देखने को मिला है जिसके चलते पोलका डॉट के मार्केट कैप XRP से भी ऊपर आ चुकी है एंड अगर हम पोलका डॉट की बात करें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें यहां पर इतना अच्छा प्राइस पंप देखने को मिल रहा है एंड आल्सो ये कैसे मार्केट कैप के अंदर नंबर 4 तक आ चुका है सो पोलका डॉट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर रहा है जो कि हमें Ethereum के अंदर यूजुअली देखने को मिलती है फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी इंटेरोप्रेबिलिटी सो इन सब चीजों का सोल्यूशन लेकर आया है पोलका डोट सो बेसिकली इथीरियम के अंदर हमें जितने भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उस सबका सोल्यूशन लेकर आया है पोलका डोट एंड जो पोलका डोट है वो इंटेरोप्रेबिलिटी स्केलेबिलिटी इकोनॉमिक इन सब चीजों पर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है सो so, अगर हम पोलका डोट की बात करें तो ये वर्क करता है उन मल्टाई ब्लॉक चेन सो so बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंट ब्लॉक होती है ये उन्हें जोड़ता है एंड इनटेरोप्रेबिलिटी के चलते यहाँ पर जो भी डेटा या फिर असेट होता है उसे ट्रांसफर किया जा सकता है क्रोस ब्लॉक पर सो so बेसिकली अभी तक हमें टोकन्स ट्रांसफरेबल दिखते थे बट यहाँ पर जो डेटा एंड असेट है वो भी ट्रांसफरेबल दिखते हैं एंड ऑल्सो एस वी नो कि अगर इथीरियम पर आज के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो उस टाइम जो इथीरियम ब्लॉकचेन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो सकती है एंड ऑल्सो वहाँ पर काफी ज्यादा गैस फी लगती है सो so, उसका सोल्यूशन लेकर आया है पोल का डोट सो so, ये इकोनॉमिक फ्रेंडली है एंड ऑल्सो यहाँ पर स्केलेबिलिटी का इशू भी रिजोल्व किया गया है सो इन केस यहाँ पर हमें हाई ट्रैफिक भी देखने को मिलता है तब भी ये ब्लॉकचेन अच्छे से वर्क कर सकते हैं सो so, इसका रीजन है पैराचेन चेन सो so, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे एंड मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड टेक्नोलॉजी विच इज़ ब्लॉक चेन इनोवेशन सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी अपनी एक कस्टम ब्लॉक चेन विद इन मिनट्स क्रिएट कर सकता है एंड ये नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है एंड सेफ है सो सिक्योरिटी वाइज गवर्नेंस वाइज ये काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है जहाँ पर हमें सेफ्टी भी देखने को मिल रही है एंड ऑल्सो एज वी नो कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का हार्ड फोक आता है सो so, जब भी किसी प्रोजेक्ट का हार्ड फोक आता है तब हमें वहाँ पर टेक्नोलॉजी डिवाइड होते हुए नजर आती है जो प्रोजेक्ट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं एंड वी हैव टू चूज कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है सो so, यहाँ पर जो हार्ड फोक है वो नहीं होने वाला है एंड जो पोल का डोट है वो खुद को ही और ज़्यादा बेटर बनाएगा एंड टेक्नोलॉजी वाइज हमें यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिलने वाली है एंड अगर हम बात करें कि जो पोल का डोट है वो किन चीज़ों पर अभी वर्क कर रहा है उसका क्या पर्पज़ है सो so, जो पोल का डोट का पर्पज है दैट इज़ गवर्नेंस टेकिंग एंड बॉन्डिंग सो गवर्नेंस के चलते यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है कि जो इसकी मेन चेन है विच इज़ रिलाई चेन सो जो रिलाई चेन है वो इसकी मेन चेन है जहां पर जो पैरा चेन है वो कनेक्ट होती है पैरा चेन इज बेसिकली पैरल चेन जो कि रिलाय चेन से कनेक्ट हो जाती है एंड जिसके चलते यहां पर हमें स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है सो so, इसी के चलते यहां पर ये यह बोला गया है कि जो भी माइनर्स रिलाई चेन के ऊपर वर्क करेंगे जो भी वहाँ पर डोट होल्ड करेंगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो वो लोग अपग्रेड्स एंड फिक्सेस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो so ये चीज़ ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जो कि हमें जल्दी से किसी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है एंड ऑल्सो आप यहाँ पर डोट को स्टेक कर सकते हैं एंड ऑल्सो जो डोट है वो बॉन्डिंग के लिए भी यूज होने वाला है एंड अगर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करें सो so वो है पोलका डोट की टीम सो जिन टीम्स ने अभी पोलका रूट नेटवर्क को ज्वाइन किया है वो है चेन लिंक ओशन प्रोटोकॉल डॉक एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसने इसे ज्वाइन किया है सो so, यहाँ पर इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड अगर हम डॉट इकोसिस्टम की टीम की बात करें so, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब इनकी टीम है एंड ये सब प्रोजेक्ट्स डॉट इकोसिस्टम के अंदर लाए करते हैं दिस मीन्स की जो डोट इको सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो इसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल चेनलिंग ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड इन केस जो पोल का डोट है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है हमें डोट इको सिस्टम बढ़ता हुआ नजर आता है तो उस टाइम जो डोट इको सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट लाए करते हैं वहां पर भी हमें काफी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है एंड ऑल्सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन द लास्ट सेवन डेज जितने भी यहाँ पर डोट इको सिस्टम के कोइन्स है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड ऑलमोस्ट हर कोइन हमें यहाँ पर ग्रीन में नजर आ रहा है सो so, इस तरह जब भी एक इकोसिस्टम काफी अच्छा परफॉर्म करता है अगर हमें वहाँ पर काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती है तो उसके चलते कहीं ना कहीं उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमें काफी अच्छी हाइप देखने को मिलती है सो इन केस अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो पोलका रोड का प्राइस है वो आने वाले टाइम के अंदर 10X तक चला जाए एंड अगर ऐसा होता है तो जो पोलका रोड की मार्केट कैप है वो इथीरियम को भी क्रॉस कर देगी बिकॉज पोलका रोड की मार्केट कैप यहाँ पर मोर देन वन फिफ्टी बिलियन डॉलर की हमें नजर आएगी जो कि इथीरियम की अभी प्रेजेंट मार्केट कैप भी नहीं है सो so इसी के चलते यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि पोलका डोड का टेन एक्स होना इतना इजी नहीं है बट यहाँ पर जो डोट इकोसिस्टम के बाकी कोइन्स हैं वो काफ़ी इजिली यहाँ पर टेन एक्स भी हो सकते हैं बिकॉज जब भी रन आता है यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म होते हुए नजर आते हैं एंड ऑल्सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट कैप मोर देन वन बिलियन डॉलर हो जाती है तो अगर हम कोजामा नेटवर्क की भी बात करें तो अभी इसकी जो प्रेजेंट मार्केट कैप है दैट इज वन बिलियन डॉलर एंड अगर हम इस प्रोजेक्ट का देखें कि इनकेस ये टेन एक्स हो जाता है अगर हमें इसका प्राइस मोर देन इलेवन हंड्रेड डॉलर नजर आता है तो उस केस के अंदर भी इसकी मार्केट कैप विल बी समवेयर अराउंड 10 बिलियन डॉलर जो कि अभी पोलका रोड की प्रेजेंट मार्केट कैप से भी कम होगा सो तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैप यहाँ पर थोड़ी कम हो एंड जहाँ पर आपको ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं सो so यहाँ पर अभी हमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अकाला एंकर पोलका स्टार्टर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर अभी आप इन्वेस्ट करने का देख सकते हो आप इन कोइंस को चेक कर सकते हो एंड इफ यू फाउंड देम इंटरेस्टिंग देन आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आंसरिंग टू योर लास्ट क्वेश्चन कि क्या पोलका डोड का प्राइस हमें यहाँ पर हंड्रेड डॉलर तक जाता हुआ नजर आ सकता है सो so उसका आंसर है येस yes. सो so, जब भी, भी बुल मार्केट आती है हमें कोइंस के अंदर काफी अच्छा पंप यहाँ पर देखने को मिलता है सो so, उसके चलते ये हो सकता है कि हमें इसका प्राइस और भी ज्यादा पंप होता हुआ नजर आए बट एट द सेम टाइम अभी ऑलरेडी इसका प्राइस काफी ज्यादा पंप हो रहा है जिसके चलते यहाँ पर हाइप क्रिएट हो रही है सो देआर आर चांसेस कि यहाँ पर कोइन करेक्शन ले या फिर हमें यहाँ पर कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिले जिसके चलते हमें कहीं ना कहीं एक डंप देखने को मिले एंड देन अगेन हमें यहाँ पर कुछ पंप देखने को मिले बट येस yes, टू थाउजेंड कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है हमें यहाँ पर ऐसे कोइंस देखने को मिल सकता है जिनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सो so, वो कॉइन्स कहीं ना कहीं हमें हाई मार्केट कैप के अंदर नजर आ सकते हैं एंड आई बिलीव कभी भी वहां पर इन्वेस्ट मत करो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप हो चुका है या फिर ऑलरेडी जिसकी बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है सो जो भी कोइंस आपको यहाँ पर डोट इकोसिस्टम के अंदर अच्छे लगते हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं आप उनका टेक्नोलॉजी चेक कर सकते हैं एंड ऑल्सो बुल रन के अंदर आप यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि किस तरह भी पोलका डॉट परफॉर्म कर रहा है एंड ऑल्सो ये टेक्नोलॉजी वाइज कितना ज्यादा स्ट्रोंग है सो येस देयर आर चांसेस कि जब भी हमें फ्यूचर के अंदर कुछ कम करेंसीज देखने को मिलेगी उस टाइम पोलका डॉट भी उनमें से एक रहे एंड वहां पर हमें काफी अच्छा रन देखने को मिले एंड ऑल्सो जब हमें यहाँ पर नेक्स्ट बुल रन देखने को मिलेगा तब इजिली पोलकाडोट का प्राइस हंड्रेड डॉलर तक जा सकता है एंड अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है देन आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बट येस इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस सो आपका क्या ओपिनियन है इन सबको लेकर डू यू गाइज थिंक इसका प्राइस हमें जल्दी हंड्रेड डॉलर देखने को मिलेगा या फिर इसका प्राइस हमें नेक्स्ट बुल्डन तक हंड्रेड डॉलर देखने को मिल सकता है प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो इफ यू लाइक टूडेज एपिसोड देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द रेगुलर क्रिप्टो अपडेट्स स्टेट यून फॉर मोर वीडियो टेक केयर